नरेंद्र धोबी की हत्या के मामले में सातूर जिले की चितलवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2023 को शाम करीब 6 से 6:30 बजे चितलवाना थाना क्षेत्र के रणोदर गांव में सातूर शहर के झेड़ियावास निवासी नरेंद्र पिता श्री रूपचंद धोबी जो प्रेम प्रसंग से चलते एक युवती को मिलने के लिए रणोदर गांव गया था, उसी दरमियान युवती से मिलने गए नरेंद्र को प्रेमिका के परिजनों ने पकड़कर बेहरमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, पहले तो युवती के परिजनों ने उस युवक नरेंद्र को ट्रैक्टर से बांधा और ट्रैक्टर से बांधने के बाद उस युवती के परिजनों ने मारा और परिजनों ने ही नहीं उसके पड़ोस के लोगों ने भी उस पर बेहरमी से मारपीट की। मारपीट काफी होने जाने के कारण नरेंद्र अत्यधिक घायल हो चुका था। गंभीर अवस्था में चितलवाना पुलिस द्वारा उसको सांचौर शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से नरेंद्र के परिजनों की मांग के अनुसार उसे गुजरात रेफर कर दिया गया। वहीं देर रात नरेंद्र को गुजरात के पालनपुर में मृत घोषित कर दिया और वहां से पुलिस ने शव को सांचौर शहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था। वहीं नरेंद्र के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सांचौर जिले की चितलवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को नामजद गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों के लिए लगातार पुलिस दबिशें दे रही है। अभी आप देख पा रहे हैं जो पुलिस जवानों के आगे जो तस्वीरें दिख रही थी, पुलिस जवानों के आगे जो लोग बैठे नजर आ रहे हैं, ये 5 लोग नामजद आरोपी हैं। जिन्होंने नरेंद्र के परिजनों ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें जो नामजद आरोपी थे वे 5 ही आरोपी आपको दिख रहे हैं। अन्य आरोपियों के लिए लगातार सांचौर पुलिस दबिशें दे रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही साथ चितलवाना पुलिस ने घटनाक्रम में उपयोग में लिए जाने वाले ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। 5 आरोपियों सहित एक ट्रैक्टर को सांचौर जिले की चितलवाना पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। अब पुलिस अन्य आरोपियों के लिए कई जगहों पर दबिश दे चुकी है और लगातार दबिशें दे रही है।